नमस्कार दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग मंडल भोपाल द्वारा आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक कार्यपालिका पदों की सीधी भर्ती निकाली गई है। इसमें जो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है 10 दिसंबर से प्रारंभ होकर 24 दिसंबर को अंतिम तिथि है। अगर कोई बच्चा इस फॉर्म में त्रुटि करता है, गलत होता है, तो 29 दिसंबर को इसमें त्रुटि सुधार कर सकता है। ये सीधी भर्ती है और इसमें जो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए ₹500 है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ₹250 है और सीधी भर्ती विकलांग के लिए कोई शुल्क नहीं है। क्योंकि जो फॉर्म भरेगा एमपीएन लाइन वाला, उसके ₹60 हैं। इस परीक्षा की दिनांक भी दे दी गई है जो 2023 में 20 फरवरी को स्टार्ट होगी परीक्षा, और इनके अभ्यर्थियों के लिए समय भी दिया गया है, रिपोर्टिंग समय भी दिया गया है, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का भी समय दिया गया है और उसमें उत्तर पुस्तिका अंकित करने का भी समय दिया गया है। तो इसी प्रकार से ये जो परीक्षा है आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक कार्यपालिका पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती 2022 की है, और इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है आपके, उसमें प्रारंभ तिथि का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिए, जो 10 दिसंबर से स्टार्ट होकर आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 24 तारीख है। और अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि होती है या गलत फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए आपको 29 तारीख के पहले पहले दिसंबर 29 दिसंबर के पहले पहले आपको उसमें सुधार करना है। और इसमें जो फीस का स्ट्रक्चर दिया गया है, जनरल बच्चों के लिए, जनरल के जो बच्चे हैं उनके लिए ₹500 है और SC ST के बच्चों के लिए ₹250 है। और इसमें जो बच्चों के लिए शैक्षणिक अर्हता दी गई है वो भी दी गई है, ये खंडिका थी। और इसमें सामान्यतः जो परिभाषा दी गई है, इसमें आरक्षण तालिका दी गई आपका, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आरक्षण तालिका दी गई है आपका विभाग की आरक्षक की सीधी भर्ती के लिए, इसमें दी गई ओपन के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, इसको भी ध्यान से देखिएगा आप लोग। और इसमें मध्य प्रदेश का मूल नागरिक होना जरूरी है। और जो 1.5 की जो खंडिका दी गई, इसमें पद का जो वेतन मान है आबकारी आरक्षक के लिए 19,562 दिया गया है। और इसमें जो भर्ती का तरीका है, निर्धारित आयु सीमा भी इसमें दी गई है। इसमें जो निर्धारित सीमा है, अभ्यर्थी की आयु आगामी जनवरी से 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक की नहीं होना चाहिए। इसमें आयु सीमा का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच के ही स्टूडेंट भर पाएंगे। जो SC ST OBC के बच्चे हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, उनकी 38 साल एज है, उनको 5 वर्ग की छूट जाएगी, जिसमें आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट है। इसी प्रकार इसमें सारी खंडिका दी गई है। इसमें जो न्यूनतम शारीरिक आहार्ता दी गई है आबकारी आरक्षक के लिए, पुरुषों के लिए जो उसमें दिया गया 167.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई दी गई है, और महिलाओं के लिए 152.4 152.4 सेंटीमीटर की जो दी गई है ऊंचाई दी गई है। और इसमें जो पुरुषों के लिए सीना है 81 सेंटीमीटर से लेकर 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए और महिलाओं के लिए लागू नहीं है। ये आप लोगों के लिए जो है नियम और शर्तें हैं। और इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है वो विशेष ध्यान रखिए, 12वीं बच्चा पास होना चाहिए और जनरल के लिए 60% होना अनिवार्य है, और OBC SC ST के लिए 50% आपके 12वीं में होना अनिवार्य है। तो आप अपनी 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है उसमें आपका जनरल के बच्चे हैं उनका 60% होना अनिवार्य है, और SC ST OBC के बच्चों के लिए 50% होना अनिवार्य है। और सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान के लिए जो उसमें क्वेश्चन की जो है परीक्षा की योजना है, उसमें सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान के 40 क्वेश्चन आएंगे जो 40 अंक के रहेंगे। बौद्धिक क्षमता का एवं मानसिक अभिरुचि के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 30 अंक के रहेंगे, और इसमें विज्ञान एवं सरल अंक गणित के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 30 अंक के रहेंगे। तो इसमें जो आपकी परीक्षा होगी वो इन तीन विषयों पर होगी, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान जो 40 अंक का होगा, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंक का होगा, 40 और 30 70 और 30 अंक का जो आपका विज्ञान एवं सरल अंक गणित होते, इससे आपके 100 नंबर का पेपर होगा ये, ठीक है। और कर्मचारी चयन आंदोलन जो भी है इसमें निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो समय अवधि रहेगी आपके प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट की होगी, फिर आपके लिए
2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। 2 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट दिए जाएंगे, 1 घंटे 30 मिनट के लिए आपको